नरेंद्र बोदानिया धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय गांधी सेड टू वाइप एवरी टियर फ्रॉम एवरी आई या दैट्स करेक्ट दैट इज द या टू वाइप एवरी टियर फ्रॉम एवरी आई गांधी जी सर यस इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद व्यक्त करता हूं महोदय आज हम इस विषय पे विचार कर रहे हैं जो आम व्यक्ति से इस देश के गरीब से जुड़ा हुआ मुद्दा है और मुझे बहुत तकलीफ है ये कहते हुए कि मैं पिछले 3 घंटे से मैं इस बहस को सुन रहा हूँ और मुझे ये अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस गंभीर मुद्दे को जो सबको मिलजुल करके इसका मुकाबला करना चाहिए उस बात को नहीं रख के यहाँ पर एक दूसरे की सरकारों पर इस प्रकार का ब्लेम डाल रहे हैं और विशेष तौर से मुझे तकलीफ इस बात की है कि सत्ता पक्ष में बैठे लोग कोई अच्छा सुझाव देने के बजाय वो पिछले 10 सालों में क्या हुआ उसकी बात करने में ज़्यादा जोर रखे हैं मैं 10 साल की बात गिनाने लगूंगा तो मैं समझता हूँ कितने घंटे मुझे लग जाएंगे लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि पिछले 2.5 साल में आपने क्या किया आपने ऐसे कौन से कदम उठाए जिससे गरीब का भला हो आपने ऐसे कौन से कदम उठाए जो आज जो गरीब के लिए खाने की वस्तुएं हैं आवश्यक वस्तुएं हैं जिनका जो है इतना मूल्य इतना तेजी से बढ़ रहा है आपने कौन से कदम उठाए ये मैं जानना चाहता हूँ महोदय मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सरकार पूरी तरह से फैल रही है आवश्यक वस्तुओं के नियंत्रण मूल्यों को नियंत्रण करने में फेल होने मैं बताऊँ कि पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष खाद्य वस्तुओं की जो कीमतें हैं वो 62% बढ़ी हैं और पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष गैर खाद्य वस्तुओं की कीमतें 25% बढ़ी हैं महोदय मैं सुनता आ रहा हूँ पिछले 2.5 साल में जब भी बहस हुई है कि हम ठीक से चुनाव दाल के ऊपर कंट्रोल करेंगे हम सब्जियों पे कंट्रोल करेंगे हम खाद्य वस्तु आवश्यक वस्तु पे कंट्रोल करेंगे हम अनेक कार्रवाई करने की बात यहाँ कही और यहाँ बड़ा जोर शोर से कहा गया कि हम कालाबाजारियों के ऊपर और जमाखोरों के ऊपर हम सख्त कार्रवाई करेंगे सख्त कदम उठाएंगे आप पे विश्वास किया सदन ने आप पे विश्वास किया पूरे देश ने लेकिन क्या हुआ क्या दाम बढ़े आपने क्या किया उसमें कोई प्रभावी कार्रवाई आपने जो है जमाखोरों के खिलाफ नहीं की क्योंकि ये जमाखोर सरकार के अंदर पेट रखते हैं आप में हिम्मत नहीं है कि जमाखोरों के खिलाफ आप कार्रवाई कर सके उपाध्यक्ष महोदय गरीब व्यक्ति के लिए दाल है सब्जी है ये बहुत दूर की बात हो रही है आज गरीब आदमी सोच नहीं सकता कि मुझे दाल कैसे मिल सकती है आज जो है मैं ये नहीं कहना मैं बताना चाहता हूं कि देश में दाल की कमी नहीं है हमारी जो मांग है वो मांग है 20 मेट्रिक टन और उपलब्धता है हमारी 21 और हमारा 10 लाख टन जो है हमारा अधिक है फिर भी जो है दाल के भाव कम क्यों नहीं हुए क्योंकि सरकार ने इन व्यापारियों को लूट मचाने की लूट करने की पूरी छूट दे रखी है महोदय मैं पिछले दिनों एक जो है अभी सवाल पढ़ रहा था उत्तर देख रहा था उस प्रश्न के अंदर कुछ प्रदेशों के नाम दिए गए थे लेकिन मुझे बहुत तकलीफ है कि मैं राजस्थान से चुन के आया हूँ और राजस्थान के आसपास के स्टेट जैसे हरियाणा राजस्थान पंजाब मध्य प्रदेश वहाँ कोई उसके आंकड़े नहीं देता उसके बारे में कोई बात नहीं बताता क्यों नहीं बताते उसके बारे में कितने छापे मारे गए कितने जो जमाखोरों को पकड़ा गया कितने लोगों को जेल में डाला गया कितने लोगों के खिलाफ मुकदमे हुए कोई इस बात का वर्णन नहीं है और महोदय मैं कुछ बताना चाहता हूं कि किस तेजी से अंदर जो है ये जो भाव बढ़ रहे हैं इन 4 प्रदेशों के अंदर आज मैं बात करूं चने की दाल की तो हरियाणा के अंदर पिछले साल
14/7/2015 को 4825 पर क्विंटल जो है वो भाव थे, और उसके बाद पंजाब में थे 5100 रुपए जो बढ़ करके हो गए 8675, हरियाणा में हो गए 8900 रुपए, आपके मध्य प्रदेश के अंदर जो भाव पिछले साल थे 4675 रुपए पर क्विंटल, और इस अभी भाव जो इसी सप्ताह के भाव है वो है 7915 रुपए। राजस्थान के अंदर जो 4800 रुपए थे, मंत्री जी आप सुन रहे हैं, आप राजस्थान से भी चुन के आए हैं, मंत्री बने, आपको बड़ा सौभाग्य मिला है, राजस्थान की तरफ ध्यान देंगे, जनता आपसे उम्मीद करती है। तो राजस्थान के अंदर 4800 रुपए पिछले साल था जुलाई के अंदर, और 2016 की जुलाई के अंदर 7233 रुपए। महोदय किस प्रकार से भाव बढ़ रहे हैं, ये तो चने की दाल की बात बताइए। आपके जो है आपके आपके जो है ये मैंने थोक भाव बताए, अब रिटेल भाव सुन लीजिए। रिटेल भाव जो है हरियाणा में जो है पिछले बस 52 थे, 52 रुपए, इस बार अभी हरियाणा में 95 रुपए, कितनी बढ़ोतरी हुई है। आपके जो है पंजाब के अंदर पिछले बस 56 रुपए था, अब 95 रुपए, मध्य प्रदेश में 39 रुपए था उससे, और अब 83 रुपए, राजस्थान के अंदर 51 रुपए था और अभी 78.5 रुपए है। देखिए कितना तेजी से बढ़ रहा है, मेरे पास आंकड़े हैं पूरे, आप चाहो तो मैं सभी दालों के बारे में बता सकता हूँ किस प्रकार से आपके भाव बढ़े। मत खाओ ना। आप बताइए मंत्री जी, आप दोनों मंत्री एक ऐसे वर्ग से आते हैं जो इस समस्या को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, मुझे मालूम है आपको मालूम है कि ये भाव क्यों बढ़ रहे हैं, आपको मालूम है कि इन भावों पे कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि आप दबे हुए हैं, आप दबे हैं उन लोगों से, उन बड़े लोगों से जो बड़े व्यापारियों का लाभ जो है व्यापारियों से लाभ ले रहे हैं, आप कार्रवाई करने से झिझक रहे हैं, आप कार्रवाई करते हैं तो आपके ऊपर बैन लगता है, ऐसा नजर आता है हमें। मैं सारी जो है पूरी डिटेल में नहीं कह करके, मैं कुछ और बातें जो है आपके सामने रखना चाहता हूं। प्लीज बस मैं प्लीज कंक्लूड होता है, ये तो मैंने जो चार स्टेट बताई जो इनसे बीजेपी का राज है, जिसमें कांग्रेस बीजेपी का राज है। मैं आपसे पूरा सहमत के इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपका आपका पार्टी नाउ नाम दिया है, मैं क्या करूं सर। मैं 2 मिनट सर, सर मैं ये आज मैं कहना चाहता हूं कि यदि हमें इन खाद्य वस्तुओं के भाव पे नियंत्रण करना है तो हमको किसान की मदद करनी होगी, यदि हम किसान की मदद नहीं करेंगे तो हम जो पैदावार नहीं बढ़ा सकते। इसलिए किसान को जो है सब्सिडी दीजिए, किसान को जो है आप खाद उपलब्ध कराइए, और खाद सस्ते भाव उपलब्ध कराइए, खाद जो है पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराइए। मेरे पास आंकड़े हैं सारे प्रदेश के, आपकी जो है मांग कितनी है, आपकी उपलब्धता कितनी है, आपकी सेल कितनी है, तो आप इसे डिफरेंस देखोगे अच्छा। तो आप चौक जाओगे। अच्छा आप ठीक है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, बस बस, कि आज जो है हमारे महोदय हम जो है देख सुनिए बात, मैं आपके सर एक नई बात बताना चाहता हूँ। नई बात है सर, नई बात बताना चाहता हूँ प्लीज, कि हम जो आयात करते हैं, जो आयात करते हैं हम दाल, वो बहुत महंगे भाव में करते हैं। और जब मैं पिछले वर्ष जब आप उपाध्यक्ष थे, मैंने जब इस साइड में मैं जब बैठा था तो मैंने एक्जिम बैंक पे बोलते हुए कहा था कि आप 10,000 करोड़ रुपए एक्जिम बैंक को दे रहे हो और ये आयात और निर्यात के लिए महंगे भाव में खरीद रहे हो, क्यों नहीं किसानों को सब्सिडी देते आप, क्यों नहीं किसान को उत्साहित करते आप ताकि वो okay, भाव बढ़ाए। प्लीज प्लीज, मैं ये बात आज जो है हम okay, लोग, no, please, आज हम लोग जो है दाल बर्मा कनाडा अफ्रीका से खरीदते हैं। महोदय मैं नॉर्थ ईस्ट के बारे में बताना चाहता हूँ आपको, नॉर्थ ईस्ट के अंदर बताना चाहता हूँ आपको कि हमारा जो है नॉर्थ ईस्ट बर्मा से जुड़ा हुआ है, चाहे वो हमारा मणिपुर हो चाहे हमारा मिजोरम हो। ओके श्री आरएस भारती, मिजोरम में हम लोग आरएस भारती, ओके ओके श्री आरएस भारती, वही इतनी जलवायु है उतनी मदद करके हम लोग जो है दाल की पैदावार बढ़ा सकते हैं, गरीब की मदद कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, इन्हीं बातों के साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में 15 मिलियन हेक्टर फेलो लैंड है और 12.5 हेक्टर लाइक वेस्ट लैंड पड़ी है। मोदी इसके ऊपर विचार करना चाहिए, रुपिन बोरा मदद करनी चाहिए, रुपिन बोरा पैदावार बढ़ानी चाहिए किसान को, रुपिन बोरा तभी आपका होगा। ये तो जनता आपको कभी माफ करने वाली नहीं है, 2.5 साल का समय चला गया और 2.5 साल का बचा है, तो आप देखिए कितना रुपिन बोरा के बारे में सोच रहे हैं, आप भी नहीं कर सकते। धन्यवाद।